हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सो आज की वीडियो में हम आपका एक प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ये आपका जॉब नोटिफिकेशन है सिग्नेचर सत्वा इंफ्राटेक की तरफ से ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं ये जॉब नोटिफिकेशन है आपकी सिग्नेचर सतवा इंफ्राटेक की तरफ से इसमें आपका साइट इंजीनियर की वैकेंसी है ये इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें अगर आप यहाँ पे करियर सेक्शन पे जाओगे तो करंट ओपनिंग पे आप क्लिक करोगे तो जो इस पर आपकी करंट ओपनिंग है वो आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी जैसे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे आपकी वैकेंसी है एच स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स परचेस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट साइट इंजीनियर की वैकेंसी है आर्किटेक्ट इंटर्न की वैकेंसी है फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव की है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है सेल्स टेलीकॉलर्स की यहाँ पे वैकेंसी है तो हमारे लिए जो आपकी काम की वैकेंसी है वो है आपका साइट इंजीनियर की वैकेंसी इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा इस पर आपका डेजिग्नेशन साइट इंजीनियर रहने वाली है लेवल ऑफ जो आपका फुल टाइम यहाँ पे जॉब है कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है एक्सपीरियंस आपसे मांगा जा रहा है फोर टू फाइव ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब लोकेशन जो है वो आपकी रहने वाली है गुड़गांव में रिपोर्टिंग आपको किसको करनी है आपको वाइस प्रेजिडेंट को आपको रिपोर्टिंग करनी है इसके अलावा आपकी क्या क्या आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए आईएस कोड ऑफ मेजरमेंट जो आपका आईएस 1200 ट्वेल्व हंड्रेड है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए सीपीडब्ल्यू डी स्पेसिफिकेशन की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए डी एस आर की आपको नॉलेज होनी चाहिए डी ए आर की आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको एम एस ऑफिस स्पेशली गुड नॉलेज ऑफ एम एस एक्सल एम एस वर्ड एंड ऑटो कैड की आपको नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपके वर्क रहेंगे शुड बी एबल टू प्लान कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मॉनिटर एंड कंट्रोल द वर्क एज पर द डिजायर्ड क्वालिटी सेफ्टी नॉर्म्स क्लियर शुड बी मोटिवेटेड एंड टेक इनिशिएटिव फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ असाइनिंग वर्क प्रोजेक्ट ठीक है यहाँ पे आपका क्वालिटी ईएचएस आपका जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी वाला डिपार्टमेंट रहता है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ड्राइंग आपका नो द रीडिंग ऑफ ड्रॉइंग्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर एम एंड सुड बी एबल टू फाइंड द क्वेरीज इन द ड्रॉइंग एंड रेज आर एफ आई क्लियर सो आपको ड्रॉइंग रीडिंग अच्छे से आना चाहिए साथ ही साथ ड्रॉइंग रीडिंग के साथ साथ आपको ड्रॉइंग्स में क्या कमियाँ वो भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो आपका आर्किटेक्ट है या कंसल्टेंट है उसके साथ कंसल्ट करके उन क्वेरीज को आप रिजोल्व कर सको टाइम कैन मेक टाइम प्लान एंड मॉनिटर ऑफ द टाइम प्लान ठीक है प्लानिंग आपको आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए एस्टिमेशन आपको बी आपको बनाना आना चाहिए मेकिंग अंडरस्टैंड मेकिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम एस्टिमेशन ऑफ द क्वान्टिटी फॉर ड्रॉइंग इंस्ट्रक्शन मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का भी आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिलिंग आनी चाहिए आपका टेकिंग मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स फ्रॉम द द साइट्स साइट्स एंड ड्राइंग आप पे लेके भी आपको बिल आने चाहिए या फिर आप ड्राइंग्स से भी आप बिल बना सक, बना सकते हो ये भी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए बीबीएस मेकिंग एंड चेकिंग बीबीएस को चेक करना और उसको बनाना आपको आना चाहिए रिकॉर्ड को मेंटेन करना रिकेशन ऑफ द मटेरियल स्टील एंड सीमेंट का रिकॉन्सिलेशन आपको आना चाहिए कंप कंप्लीशन ऑफ बिल विद टैक्सेस आपको पता होने चाहिए जीएसटी जैसे जितने भी अलग अलग जो टैक्सेस लगते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए ठीक है इसके अलावा स्किल एंड क्वालिफिकेशन बी आपने किया हो ठीक है डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीई होना चाहिए एमएस ऑफिस की आपको स्पेशली नॉलेज होनी चाहिए जैसे एमएस एक्सएल एमएस वर्ड ऑटो कैड ठीक है और ये सब आपका तो ये कुछ आपके यहाँ पे डिजायर्ड स्किल थी जिनके बेसिस पे अगर आप इन आपका फोर टू फाइव ईयर का एक्सपीरियंस है और ये सारी स्किल्स अगर आपको आती हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ये कोई भी स्किल नहीं आती है आपको जैसे आई 1200 मेजरमेंट्स के बारे में नहीं पता है आपको आई 1200 जो कोड है उसमें किस तरीके का मेजरमेंट्स के आपके डाटा दिया हुआ है सी पी स्पेसिफिकेशन डी के बारे में आप नहीं जानते हैं एम एस एक्सएल ऑटोपैड सॉफ्टवेयर आपको नहीं आता है या फिर आपको बिलिंग के बारे में नहीं पता है ड्रॉइंग्स कैसे बनती है बी बी एस कैसे बनता है अगर आप एक फ्रेशर और ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप उसके लिए सोलिटूड एजुकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर आपको सारे के सारे जो ये कोर्सेज हैं जो अभी आपका चाहे ड्रॉइंग रीडिंग हो एस्टिमेशन हो बार बेंडिंग शेड्यूल हो बी ओ क्यू हो डीएसआर हो एम एस एक्सएल हो ऑटोपैड हो सारे के जा सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ठीक है तो आप अगर ये स्किल आपके पास नहीं है तो आप ये स्किल गेन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन से नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ ओके थैंक यू